हाय पीपल, कैसे आप सब लोग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करूंगी जो बहुत सीरियस है एंड जो हर रोज़ होता है, कहीं ना कहीं होता है, हम सबको दिखाई देता है, हम सबको पता है, पर फिर भी ये होता है। उसका कुछ इलाज तो नहीं है, बट जस्ट अवेयर होना है। मैं स्पेशली लड़कियों को अवेयर करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कि लड़के नहीं देखे ये वीडियो या फिर लड़कों के साथ नहीं होता, डेफिनेटली होता है, बट अगर हम सही से देखें तो लड़कियों के साथ ही ये होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ जब दो इंसान एक रिश्ते में रहते हैं, एक साल, दो साल, पाँच, छः, सात, आठ साल, उसके बाद अगर शादी के बारे में बात आती है तो लड़कों के बड़े नखरे होते हैं। कभी मैक्सिमम टाइम जो होता है, जो मैंने देखा है, सुना है, वो आता है फैमिली प्रॉब्लम, कि फैमिली नहीं मानेगी, कास्ट प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमारी फैमिली कैसे नहीं हुई, तो वो कोई और इंसान बाहर का और फैमिली फैमिली कैसे होता है वो। ये चीज़ मेरी समझ में अब तक नहीं आई, क्योंकि अगर मैं किसी से प्यार करूँगी तो वो मेरे लिए फैमिली ही बन जाएगा उस पल से, जिस पल मैं बोलूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये होना चाहिए ना, क्योंकि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, प्यार बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर आप सही से देखोगे, अगर इस दुनिया में लोग खुश हैं क्यों, प्यार की वजह से। ऐसा तो नहीं ना कोई बहुत रिच है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास गाड़ी है, बड़ा सा घर है, इसलिए वो खुश है। नो, मेन रीज़न ये है कि उसके पास प्यार है, चाहे वो फैमिली का प्यार हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो वाइफ का, हस्बैंड का प्यार हो, वो प्यार है जो इंसान को ज़िंदगी भर खुश रखता है। बाकी सारी चीज़ें आप कितना भी कर लो लाइफ में, वो आपको टेम्पररी खुशी देगा। अगर कोई खुश है इस दुनिया में वो प्यार की वजह से है, बट कुछ लोग आज प्यार करने से डरते हैं। उनको लगता है प्यार, पता नहीं, इंसान को, इंसान की लाइफ खराब कर देती है। प्यार लाइफ खराब नहीं करती है, ये धोखा, ये सब एक्चुअली प्यार प्यार तो रहा ही नहीं, प्यार को खेल बना दिया इन लोगों ने। ये तो हर जगह हो रहा है आजकल, हमेशा यही होता है, यही सुनने को मिलता है, स्पेशली लड़कियों के साथ। इसलिए मैं लड़कियों को अवेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग समझो कि आप किसको चूज़ कर रहे हो। प्यार किया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अटैचमेंट हो गया है, हम किसी के साथ जब इमोशनली जुड़ जाते हैं, उससे बाहर आना, उसको भूल जाना इतना आसान नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, बट इतना समझना पड़ेगा, अगर किसी को हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, हम अपना प्यार प्रूफ करते हैं, कोशिश करते हैं, बार बार एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो हमको पसंद करते हैं वो हमको समझ जाते हैं कैसे भी करके। आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सच्चे में प्यार करता है वो आपको दुखी देख ही नहीं सकता। अगर आप दुखी हुए तो उसको भी उतना ही तकलीफ होगा, उसको भी उतना ही दर्द होगा, वो तो आपके साथ ना रह के भी आपके साथ होगा। तो ये सब फीलिंग्स की बात है, आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में आता है चीज़ें कि चीज़ें सही नहीं चल रहा है, वो इंसान हमसे इतना कनेक्टेड नहीं है, हमसे शायद प्यार नहीं करता, बट फिर भी हम वो चाहते कि नहीं नहीं प्यार करो प्यार करो। वहाँ पे हम गलती करते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। जो इंसान शादी से पहले ही आपका साथ छोड़ दे, शादी से पहले ही आपको अंडरस्टैंड नहीं करे, वो इंसान शादी के बाद आपका क्या साथ देगा। एक बार बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, समझ में आता है, पर शादी के बाद चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर शादी के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप उसके साथ नहीं रह सकते हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है ना चीज़ें, उससे बाहर आना, कि फैमिली इन्वॉल्व रहती है, सोसाइटी इन्वॉल्व रहती है। सो प्लीज़, प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट सॉरी मेरा गला ख़राब हो गया। अगर आपको फील होता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, प्लीज़ आप उसी वक्त उस रिश्ते से निकल जाओ।
आप बार बार अपना प्यार प्रूफ मत करो, यू आर बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट। इंसान की कमी नहीं है, अगर इस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट करता है, अच्छे इंसान है इस दुनिया में, तो आपको भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो समझ जा बात को, शादी तक मत लेके जाओ। अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आप निकल जाओ उसी वक्त, उस जगह से निकल जाओ। अपने आप को टॉर्चर मत करो, अपने आप को एक्सप्लेन मत करो बार बार, ये चीज़ ना आपको ही तकलीफ देगा, आपका ही लॉस है इसमें। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मैरिड नहीं हैं, प्लीज़ पार्टनर चूज़ करने से पहले आप 10 बार सोचो, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। शादी करने से पहले आप सोच लो कि आपको कैसा इंसान चाहिए, क्या वो आपको समझता है, क्या वो आपका साथ देता है, क्या वो आपको अंडरस्टैंड करता है, चाहे सिचुएशन कितने भी बुरी हो, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपको, प्लीज़ वो बात समझो, उसके बाद ही आप शादी का डिसीजन लो। और जिनकी शादी हो गई है, अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते या फिर आपको घुटन हो रहा है, तभी भी आपको अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा। आप पूरी ज़िंदगी भर इस चीज़ में नहीं रह सकते। ये फिर वही बात हुई ना कि हम कोई कुछ गलत करते हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, पर ये भी गलत चीज़ है। आप सहते हो, वो भी बहुत बड़ी गलती है, तो वो आप मत करो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, शादी से पहले ही अवेयर रहो, शादी से पहले ही आप सोचो अच्छे से कि आप किसको चूज़ कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो। क्योंकि जब प्यार में आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो खुशी नहीं मिलती, वो साथ नहीं मिलता, तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, और मुझे आगे जाना नहीं चाहिए, ये प्यार नहीं होता है। प्यार ऐसा होना चाहिए कि अनकंडीशनल होना चाहिए। आप जब किसी से प्यार करते हो, आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, आप उसको छोड़ सकते हो उसकी खुशी के लिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, अगर इतनी हिम्मत है तो आप समझो ये सच्चा प्यार है। अगर सामने वाला आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करता है। सो यस, अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो यस, यही बोलने की कोशिश कर रही थी, प्यार को खेल मत बनाओ, प्यार को प्यार ही रखो। प्यार करो तो प्यार निभाओ, नहीं तो प्यार मत करो, ठीक है। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं या फिर जिनको सच्चा प्यार मिला है इस दुनिया में, दे आर वेरी लकी, वो लोग बहुत खुश नसीब है। एंड मेरे दिल से उनके लिए दुआ है कि वो लोग हमेशा खुश रहे अपने प्यार के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।